हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो धीरे धीरे मतलब कि अब सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर रहे हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी यानी NIT, बहुत लोगों का ये भी कमेंट था NIT IIT में जाने का कि उनका काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। तो बहुत कम NIT IIT अभी स्टार्ट किए हैं। तो देखिए, NIT पुडुचेरी भी अपना काउंसलिंग स्टार्ट कर चुका है। आप लोग इसका नोटिस पढ़ लीजिए। एडमिशन टू 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर BSc BEd। देखिए, ये NIT पुडुचेरी जो है वो BSc BEd के लिए एडमिशन ले रहा है। यदि आपको BA BEd BCom BEd करना है तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाइए, ओके। और सारे कोर्सेज का जो यूनिवर्सिटी है हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं NCET 2023। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे देखिए, ये तो आपने देख ही लिया ये किसका नोटिस है, NIT पुडुचेरी का। फिर आगे आप पढ़िए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन इन BSc BEd प्रोग्राम ऑफ द इंस्टीट्यूट थ्रू NCET एग्जामिनेशन। आपने NCET एग्जाम दिया है तभी आप ये जो NIT पुडुचेरी का जो काउंसलिंग फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। एंड देन द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी दैट इज नॉन रिफंडेबल इज ₹1000 फॉर जनरल OBC एंड EWS एंड ₹500 फॉर SC ST PWD एप्लीकेंट्स एंड दैट्स ऑल्सो टू बी पेड ऑनलाइन। द सीट मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। आप लोग सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं कि कितने सीट्स हैं ऑन कैटेगरी बेसिस। देखिए, ओपन कैटेगरी ओपन PWD, EWS, EWS, PWD, SC, PWD। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, खुद से भी देखिए, मैं बोल देती हूँ एक बार। ओपन का 10 कैटेगरी मतलब कि 10 सीट है, PWD 1 सीट, EWS 2 सीट्स, EWS PWD 0 सीट, SC 3 सीट एंड SC PWD 0 सीट, ST 2 सीट एंड ST PWD 0 सीट एंड OBC 7 सीट एंड OBC PWD 0, टोटल 25 सीट्स है, ओके। ये था अदर स्टेट कोटा का, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ये अदर स्टेट कोटा का है। ये सीट का सीट मैट्रिक्स दिया है। और ये जो NIT पुडुचेरी का जो स्टेट का होम स्टेट कोटा उसका ये है, ओपन कैटेगरी 9, ओपन PWD 2, EWS 3, नो EWS PWD, SC 4, SC PWD नो, ST 1 एंड देर इज़ नो सीट फॉर ST PWD एंड OBC 6 एंड देर इज ऑल्सो नो सीट फॉर OBC PWD, हेयर ऑल्सो टोटल 25 सीट्स। तो आप लोग देख सकते हैं, अदर स्टेट कोटा के लिए भी 25 सीट्स हैं और होम स्टेट कोटा के लिए भी 25 सीट्स हैं, यानी ओवरऑल 50 सीट्स हैं जिसे इक्वली डिवाइड किया गया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको तो पता ही होगा, फिर भी इसमें दिया हुआ है कि आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है, 50% मिनिमम 50% मार्क्स एंड 5% होता है रिलैक्सेशन फॉर SC ST PWD। आपको NCET जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वालिफाइड होना चाहिए। NCET के जो स्कोर कार्ड आया था NTA की तरफ से, उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। चूज एन NIT पुडुचेरी इन NCET फॉर्म। अब देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है ना। इसमें बोल रहा है कि आप जब NCET फॉर्म भरे थे तो उसमें आप NIT पुडुचेरी चूज़ किए हों तभी आप इसे फिल कर सकते हैं, ओके। मेयर अपियरिंग इन NCET विल नॉट इंश्योर एडमिशन टू BSc BEd प्रोग्राम। यानी आपने सिर्फ NCET एग्ज़ाम दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो गया है BSc BEd प्रोग्राम में। आपको कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करना होगा जो दिया हुआ है। तो अभी मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन फ़ी जनरल के लिए 1000 लगेगा, SC ST PWD के लिए 500, OBC EWS का भी 1000 लगेगा। आप यहाँ पे देखिए एडमिशन प्रोसीजर, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। NIT पुडुचेरी की वेबसाइट पर जाइएगा, आप वहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा, आपके पास ये खुद आ जाएगा। और उतना आप नहीं करना चाहते हैं, आपको चाहिए तो आप बोलिए, मैं PDF का लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग उसे देख लीजिएगा। एंड देखिए, ये एडमिशन प्रोसीजर है, आपको ड्यूली फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इसका डेट भी आगे दिया हुआ है। आप इसमें जैसे सारी यूनिवर्सिटीज़ का रूल होता है वो इसमें बताया है कैसे कैसे करना है। फिर आप आगे देखिए, मेन देखिए इसमें डेट, हाँ यहाँ ये आपके लिए मेन है, आपको करना क्या, स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन 12 सितंबर को स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट 21 सितंबर, 21 सितंबर तक आप ये कर सकते हैं। एंड देन फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी 23 सितंबर को, उसके लिए आपको फ़ी सबमिट करना होगा 25 सितंबर तक। देन वैकेंट सीट्स का, वैकेंट सीट्स दिखाया जाएगा कि है भी वैकेंट सीट्स या नहीं 26 को। एंड देन
मेरिट लिस्ट फिर आएगी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर ऑन टू डेट विल बी 27 सितंबर। फिर जिन्हें एडमिशन लेना होगा वो 30 सितंबर तक फी पे करेंगे, ठीक है, प्रोग्राम फी। देन फिजिकल रिपोर्टिंग होगा 4 अक्टूबर को, एंड देन वैकेंसी यदि फिर भी मतलब कि सीट कोई विदड्रॉ कर लिए एडमिशन या फिर कोई नहीं लिए तो क्या होगा, स्पॉट ऑन एडमिशन होगा, आपको वहाँ फिजिकली रिपोर्ट करना होगा और आपका एडमिशन होगा। तो ये 5 अक्टूबर को होगा, एंड 5 अक्टूबर को सीट दिखाया जाएगा वैकेंट सीट, एंड देन स्पॉट ऑन होगा 6 अक्टूबर को। तो ये था, देखिए ये सारा इम्पोर्टेंट हो गया NIT पुडुचेरी का। तो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ का मैंने पहले ही अपलोड किया है, आप लोग हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है NCET 2023 उस पर जाके आप सारा वीडियो देख सकते हैं, उस पर हर वीडियो आपको अच्छे से बताया गया है और सारे का एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको बताया गया। ओके, थैंक यू।